नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा होली के त्योहार की। ये तो हम सभी जानते हैं कि होली भारत का एक सांस्कृतिक पर्व है जिसे सब मिलजुल कर मनाते हैं, और यह भारत की अनेकता में एकता की जो थ्योरी है उसको भी सिद्ध करती है। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सभी बुराइयों को भुलाकर एक हो जाते हैं। इस त्योहार में न कोई छोटा रहता है न कोई बड़ा। साथियों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि होली जैसा ये त्योहार है, ये पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाओं के तहत ऐसे ही मनाया जाता है। कहीं टमाटर से होली होती है, कहीं तरबूज से होली होती है, कहीं कीचड़ से होली होती है। और यही नहीं, जिस प्रकार हम छोटी होली के दिन जो गुलेरियां हैं या जो उपले हैं उनको जलाते हैं, इसी प्रकार दुनिया के कई देशों में एक दिन पहले होली जलाई भी जाती है। और इसके पीछे भी बहुत सारे सांस्कृतिक उनके पक्ष हैं जिनके बारे में आज मैं इस विमर्श में चर्चा करने वाला हूं। जिस प्रकार हम रंग पंचमी तक होली का त्यौहार मनाते हैं, कई देशों में 7 दिन और 5 दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। साथियों, अभी हमने होली का त्यौहार मनाया, जो छोटी होली जिसको हम कहते हैं, उस दिन हम उपले जलाते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है? क्योंकि भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक सांस्कृतिक पक्ष है, वैज्ञानिक पक्ष है। सबसे पहले तो यही कि जब हम उपले जलाते हैं गाय के गोबर से बने हुए, तो उनसे निकला हुआ जो धुआं है वो प्रदूषण को दूर करता है, साथ ही साथ मच्छर इत्यादि जैसे जो कीटाणु हैं उनको भी दूर करता है। एक तो ये इसका सांस्कृतिक पक्ष हो गया। दूसरा, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। और तीसरा, हम देखें बड़ी होली सभी लोग जलाते हैं, साथ ही साथ घरों में छोटी होली भी जलती हैं। अपने अपने घरों में अपने घर के दरवाजे के सामने छोटी छोटी होलियां भी जलाई जाती हैं, हम शहर में देख सकते हैं। और इन होलियों पर जो भोग लगाया जाता है पूजा करने के बाद, तो आप देखेंगे सामान्य बिना नमक के आटे के छोटे छोटे टिक्कर बनाए जाते हैं, रोटी बनाई जाती है और गुड़ के साथ उसका भोग लगाया जाता है। साथ ही साथ चूंकि नया अनाज खेतों में आया हुआ होता है, वो चने हैं गेहूं हैं, तो उनका भी भोग लगाया जाता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि हमारे पास कई सारे पदार्थ हैं, कई सारी मिठाइयां हैं, हम चाहें तो उनका भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन यही भोग लगाने के पीछे उद्देश्य यह है कि हम इस दिन अपने पुरखों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, और यह स्मरण करते हैं कि वे लोग अपना जीवन यापन किस प्रकार करते रहे होंगे। क्योंकि बिना नमक के आटे की रोटी और गुड़, इसी का भोग लगाया जाता है और इसी को प्रसाद के स्वरूप में खाया भी जाता है। तो इस प्रकार से हम अपनी इन परंपराओं को जाने अनजाने निभाते आ रहे हैं। यह एक सनातन परंपरा है और इसके पीछे कई सारी कहानियां जोड़ के इसको सतत बनाया जाता है। पूरे विश्व में होली जैसे त्योहार मनाने से यह भी सिद्ध होता है कि यह सनातन परंपरा है, यह पूरे विश्व में किसी ना किसी प्रकार से मनाई जाती है। और यह उस भाव को भी स्पष्ट करती है जिसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो आज इस विमर्श में मैं आपको होली से संबंधित जो विदेशों में अन्य प्रकार के जो त्योहार मनाए जाते हैं, होली जैसे ही त्योहार मनाए जाते हैं, आज उन्हीं के संदर्भ में चर्चा करूंगा। तो आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ आप अपने इष्ट मित्रों को, दोस्तों को होली के त्योहार से संबंधित यह जानकारी शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं दुनिया के अन्य देशों में होली कैसे मनाई जाती है। यूनान में पोल उत्सव के रूप में होली जैसा त्योहार मनाया जाता है। इसमें लकड़ियां इकट्ठा करके इन्हें जलाया जाता है। इसके आसपास लोग झूमते गाते हैं। यह उत्सव यूनानी देवता टाइनोसिस की पूजा के अवसर पर आयोजित किया जाता है।
अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों में ओमेना वोंगा नाम से यह उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में भी होली की तरह ही होलिका जैसे ओमेना वोंगा में एक जंगली देवता को जलाया जाता है। इस देवता को प्रिन वोंगा कहते हैं। इसे जलाकर लोग नाचते गाते हैं, नई फसल के स्वागत में खुशियां मनाते हैं। मिस्र में भी नई फसल के आगमन पर इसी प्रकार का त्योहार मनाया जाता है। लोग पारंपरिक तरीके से नृत्य आदि करते हैं। रोम में रेडिका नाम से एक त्योहार मई में मनाया जाता है। रेडिका में किसी ऊंचे स्थान पर लकड़ियां जलाकर लोग नाचते गाते हैं। इस दिन इटली वासी एक दूसरे पर खुशबूदार रंग बिखराकर रंग बिरंगा पानी डालते हैं। इटली वासी इस दिन अन्न की देवी फ्लोरा को प्रसन्न करने के लिए यह आयोजन करते हैं। इस अवसर पर लोग आतिशबाजी भी चलाते हैं। बेल्जियम में लोग कुछ स्थानों पर पुराने जूते जलाते हैं व एक दूसरे से मजाक मस्ती करते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें मुंह रंग कर गधे पर बिठाकर जुलूस निकालते हैं। फ्रांस में 13 अप्रैल को लोग हुड़दंग मचाकर एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। जो लोग हुड़दंग में सम्मिलित नहीं होते हैं उनके मुंह पर भैंस जैसी शक्ल का चित्र लगाकर बाजारों में घुमाया जाता है। इस त्योहार को लोग मूर्खों का त्योहार भी कहते हैं। वर्मा में तैया नाम से होली जैसा त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग फेंककर त्योहार मनाते हैं। स्पेन में भारत की तरह ही होली जैसा त्योहार मनाया जाता है। यहां टोमाटीना नामक त्योहार अगस्त में मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंककर उत्सव मनाते हैं। इसमें टमाटर के जूस में एक दूसरे को भिगो दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी होली जैसा त्योहार मनाया जाता है। यहां हर 2 साल में एक बार फरवरी माह में वाटरमेलन फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। अपनी तरह के मस्ती भरे इस त्योहार में लोग एक दूसरे के ऊपर तरबूजों को कुचलकर फेंकते हैं। दक्षिण कोरिया में मड फेस्टिवल के रूप में होली जैसा उत्सव मनाया जाता है। इसे वोरयांग मड फेस्टिवल कहते हैं। यह हर वर्ष जुलाई में मनाया जाता है। लोग एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं, साथ ही कीचड़ के विशाल टबों में एक दूसरे को लिटा दिया जाता है। म्यांमार में मेंकांग नामक त्योहार में होली की तरह एक दूसरे पर पानी फेंका जाता है। इसे थिंगयान भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि नववर्ष के अवसर पर यहां के लोग एक दूसरे पर पानी की बौछार करके पापों को धो डालते हैं। पोलैंड में अर्सिना नाम से होली जैसा त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे से गले मिलकर आपसी शत्रुता भी भुला देते हैं। चेकोस्लोवाकिया में भी बलिया कनोसे नाम से होली जैसा त्योहार मनाया जाता है। इसमें लोग परंपरागत ढंग से नाचते गाते हुए एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। जर्मनी में रेनलैंड नाम से के स्थान पर होली जैसा त्योहार 7 दिनों तक मनाया जाता है। लोग इस दौरान अटपटी पोशाकें पहनकर निकलते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं। सभी प्रकार के भेदभाव भुलाकर लोग इस त्योहार को मनाते हैं। पेरू में इनकान उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान पूरा शहर रंगीला हो जाता है। लोग रंगीन परिधानों में टोलियां बनाकर घूमते हैं। नाचते गाते लोग अपनी अपनी टोलियों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के प्रयास भी करते हैं। रात्रि में सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। नेपाल में लीला उत्सव के रूप में होली जैसा त्योहार मनाया जाता है। यहां एक दूसरे पर रंगीन पानी से भरे गुब्बारे फेंकते हैं। इन गुब्बारों को लोला कहा जाता है। यहां बड़े बड़े टब में रंग घोलकर लोगों को उसमें धकेला जाता है। जापान में भी होली जैसा उत्सव मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। इस समय
चेरी के पेड़ पर फूल आते हैं। लोग चेरी के बागानों में बैठकर उत्सव मनाते हैं। इसमें फूलों की पंखुड़ियों को फेंककर उत्सव मनाया जाता है। लोग नाचते गाते भी हैं। मॉरिशस में वसंत पंचमी के से ही 40 दिन का उत्सव शुरू हो जाता है। चीन में नववर्ष के समय डाय नामक समुदाय के लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, साथ ही गाना बजाना, मस्ती, हुड़दंग सभी करते हैं। ग्रीस में तरबूज के आकार वाले टमाटरों का उत्पादन होता है। इन टमाटरों को वहां के लोग लव एप्पल कहते हैं। रंग बिरंगी छींटाकशी के साथ हो हल्ले के बीच लव एप्पल की शानदार होली दिन भर चलती है। श्रीलंका में भारत की तरह ही रंग, गुलाल और पिचकारियों के साथ होली मनाई जाती है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। थाईलैंड में संगक्रांत नामक त्योहार में लोग मठों में जाकर भिक्षुओं को दान देते हैं व एक दूसरे पर सुगंधित जल छिड़कते हैं। पोलैंड में होली की तरह ही अर्सीना नामक त्योहार मनाया जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं व गले मिलते हैं। पुरानी शत्रुता भुलाकर नए सिरे से रिश्ते बनाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में भी प्रतिवर्ष होली जैसा रंगीला त्योहार मनाने का चलन है। यहाँ पार्कों में बच्चे, बूढ़े और जवान इकट्ठा होकर एक दूसरे के शरीर पर पेंटिंग की प्रतियोगिता करते हैं, हुड़दंग मचाकर नाचते गाते हैं और यह उत्सव लगभग 6 दिन तक चलता है। कंबोडिया में नववर्ष के अवसर पर चाउन नामक थेमी और लाओस में पियामी नामक त्योहार मनाने की परंपरा है। यह एक दूसरे पर पानी फेंककर यहां त्योहार मनाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मथुरा वृंदावन की होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बरसाने की लठमार होली मथुरा वृंदावन के मंदिरों में श्री बांके बिहारी जी के साथ पुष्पों की होली, फूलों की होली, ये सर्वविदित है। यहाँ के विभिन्न मंदिरों में लोग ठाकुर जी के साथ फूल फेंक कर होली मनाते हैं। तो साथियों, हमने देखा दुनिया के विभिन्न देशों में होली का ये त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। कहीं यह नव वर्ष में मनाया जा रहा है तो कभी नई फसल आने की तैयारी में मनाया जा रहा है। अलग अलग उसके पीछे तर्क हैं, अलग अलग कारण हैं, लेकिन मकसद सभी का एक है कि सभी एक हो जाएं। किसी में ऊंच नीच का भाव नहीं हो, किसी में छोटे बड़े का भाव नहीं हो, सब मिलजुल कर, बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिलजुल कर इस त्यौहार में एक रंग में रंग जाते हैं, जिससे किसी में भी कोई दुर्भावना नहीं रहती और वर्ष भर की जो कमियां हैं, जो आपस के बैर भाव हैं, उनको भी होली के त्यौहार में गुलाल लगाकर, अबीर लगाकर उनको भुला दिया जाता है। तो मुझे विश्वास है इतिहास विमर्श में आपको होली से संबंधित ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें। साथ ही साथ जिन युवा साथियों ने, जिन इतिहास विमर्श के व्यूअर्स ने अभी तक इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे इसे सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे आपको इतिहास विमर्श में आने वाले सभी महत्वपूर्ण जो वीडियोज हैं, जो जानकारियां हैं, वो सबसे पहले मिलें। आपने ये वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।